ओके okay, स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था फाइनल मॉडिफायर के बारे में, ठीक है। फाइनल क्या है? आपका मॉडिफायर है जो किस किस के साथ लगेगा, क्लास के साथ, मेथड के साथ और वेरिएबल के साथ। अगर हमारा मॉडिफायर हम क्लास के साथ यूज करते हैं तो हम उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये कल हमने डिस्कस किया था, मतलब इनहेरिट करने का क्या मतलब है कि कोई भी किसी भी क्लास का चाइल्ड नहीं हो सकता, या तो ये बोल दो या उस क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, बहुत सेम थिंग, ठीक है। ऐसे ही आपका जो क्लास के साथ हम मॉडिफायर लगाते हैं फाइनल, इसी तरह से हम लगा सकते हैं मेथड के साथ भी और वेरिएबल के साथ, ठीक है। अगर हमारा सपोज एक कोई क्लास है इस फाइनल क्लास टेस्ट के अंदर, हम एक क्लास होल्ड लेते हैं, इसी में ही क्लास टेस्ट ले लेते हैं। सपोज इस टेस्ट क्लास के अंदर पब्लिक void m1 एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने प्रिंट कराया सपोज कुछ भी है ना, इसमें मैंने प्रिंट करा दिया सपोज ए बी सी डी ई एफ, सपोज ये प्रिंट, ठीक है। अब इस टेस्ट क्लास को किसने नेट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, किसने, किसको, टेस्ट क्लास को, फाइनल टेस्ट वन में इसे इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करके क्या किया, अब ये जो फंक्शन है, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ये इनहेरिट होकर किसके पास आ जाएगा, ये इनहेरिट होकर किसके पास आ जाएगा, फाइनल टेस्ट के पास, ये इनहेरिट होकर इसके पास आ गया। अब इसके पास दो फंक्शन हो गए, एक तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और एक हो गया कौन सा M1 फंक्शन, तो इसके पास दो फंक्शन अवेलेबल हो गए, एक M1 फंक्शन और एक मेन फंक्शन, इसके पास फाइनल टेस्ट वन के पास, ठीक है। ये आपके दो फंक्शंस हो गए इसके पास। अब इसने क्या किया, जो आपकी फाइनल टेस्ट वन थी उसने इसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब इसके अंदर जो भी प्रिंट हो रहा था, जो भी इसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन था, वो चेंज कर दिया किसने, फाइनल टेस्ट वन में। ये मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर भी ले लिया, और इसने यहां पर क्या प्रिंट कराया, एक्स वाई जेड, और एक प्रिंट कराया इसने ए बी सी डी। तो इसने क्या किया, फाइनल टेस्ट वन ने जो M1 मेथड किसका था, टेस्ट का था, उसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन बदल दिया। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन मतलब जो उसकी बॉडी के अंदर था वो बदल दिया, यहां पर ए बी सी डी एफ था, लेकिन इसने क्या चेंज कर दिया, फाइनल टेस्ट वन ने इसके दो स्टेटमेंट लिख दिए, दो प्रिंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ओवरराइडिंग। यहां पर क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग तभी है जब इनहेरिट करेंगे। अगर फाइनल टेस्ट वन इसको क्लास को इनहेरिट करेगी पेरेंट को, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवरराइडिंग। और उसका अगर इसके इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को चेंज करते, ठीक है। अगर एज इट इज यूज करे, अगर इसको एज इट इज यूज करें तो फिर ओवरराइडिंग नहीं है। इसने क्या किया, इसको इनहेरिट करके इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन बदल दिया सारा का सारा, तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर ऑब्जेक्ट बनाऊं फाइनल टेस्ट वन इक्वल टू न्यू फाइनल टेस्ट वन, और मैंने प्रिंट कराया p.m1, तो क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। यस, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, यस देखो, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब मैंने रन कराया फाइनल टेस्ट वन, एंटर किया, आपका एबीसी एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है। यहां पर हो क्या रहा है, ये मेन चीज है समझने की, थोड़ा थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझो। देखो, हमारी एक क्लास है टेस्ट, एक क्लास हो रहा है कौन सी, फाइनल टेस्ट, ठीक है।
क्लास है, इसके पास एम वन मैथड है। इस एम वन में जो प्रिंट करा रहे हैं हम ए बी सी डी ई एफ, ये प्रिंट करा रहे हैं। अब फाइनल ने क्या किया, इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दिया। यहां पर इसने किसकी नेट कर लिया, फाइनल टेस्ट ने टेस्ट को नेट कर लिया। यहां एम वन के अंदर इसने क्या चेंज कर दिया, यहां लिख दिया ए बी सी और आपका एक्स वाई जेड। अगर आप चाह रहे हो कि ये फाइनल टेस्ट इसके एम वन मेथड को चेंज ना कर सके, सिर्फ ए बी सी डी ही रहे, है ना, ओवरराइड ना हो, तो हम क्या करेंगे, मेथड के साथ क्या लगा देंगे, फाइनल लगा, इसके साथ क्या लगा देंगे, फाइनल। अगर आपने इसके साथ फाइनल लगा दिया, ठीक है, अब इस मेथड को आपका चाइल्ड इसे चेंज नहीं कर सकता, समझ रहे, इसको देखते हैं कैसे। कंपाइल किया, कंपाइल करते ही एरर आ गई, क्या, कैन नॉट ओवरराइड, क्या एरर आई, कैन नॉट ओवरराइड एम वन मेथड इज इन फाइनल टेस्ट, कैन नॉट ओवरराइड इन टेस्ट, टेस्ट के अंदर ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि ओवररिडन मेथड इज फाइनल, आपका जिसे ओवरराइड कर रहे हो क्या है, आपका फाइनल है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जिस क्लास के साथ आपका फंक्शन के साथ क्या लगा होगा, एक ओके, जिस फंक्शन के साथ या जिस मेथड के साथ आपका फाइनल लगा होगा, उस फंक्शन को हम क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, समझ रहे। और जिस क्लास के साथ जिस क्लास के अंदर फाइनल लगा हो, समझ रहे, उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, समझ में आया पॉइंट, इसको दोबारा समझते हैं। मैंने यहां पर अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहां पर जो पेरेंट के पास M1 मेथड है, M1 मेथड इनहेरिट होके किसके पास चला जाएगा, चाइल्ड के पास, ठीक है। अगर चाइल्ड इसको दोबारा ना लिखे, M1 मेथड को दोबारा ना लिखे, तो जो इसके अंदर है एज इट इज वही आउटपुट आएगा, ठीक है। बट इसने क्या किया, चाइल्ड क्लास ने M1 मेथड को यहां पर आके अपने क्लास के अंदर चेंज कर दिया, इसको बदल दिया, किसको, यहां पर आके चेंज कर दिया, यहां पर कुछ और है इसके अंदर और यहां पर कुछ और वैल्यू है, समझ रहे, चाइल्ड के अंदर। तो अगर हम चाह रहे हैं कि पेरेंट एम वन मेथड है वो चेंज ना हो, चाइल्ड उसे चेंज ना कर सके, तो आप क्या करना कि एम वन के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज कर लो। अगर आपने किसी फंक्शन के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज किया है, मॉडिफायर का यूज किया है, तो हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। ओवरराइड का मतलब होता है चेंज करना, ओवरराइड नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ ओवरराइड हमने बंद कर दी, कैसे, किसी मेथड को ओवरराइड होने से बचाना है, चेंज होने से बचाना है, तो कैसे, क्या करेंगे, उस फंक्शन के साथ हम क्या लगा देंगे, एम वन फंक्शन लगा, ठीक है। देखो जैसे इसको दोबारा एग्जांपल को एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज ये आपका एम वन फंक्शन है, इसके अंदर हमने प्रिंट कराया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमने यहां पर क्या करते हैं, ये फंक्शन हटा देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइनल टेस्ट वन के पास कितने फंक्शंस हैं, मुझे ये बताओ पहले, फाइनल टेस्ट वन के पास कितने फंक्शंस हैं, कितने मेथड्स हैं, यस, दो मेथड है। यहां पर फाइनल टेस्ट वन ने एम वन मेथड कॉल कराया, फाइनल टेस्ट वन के ऑब्जेक्ट ने टी वन एम वन फंक्शन कॉल कराया, तो क्या आउटपुट आएगा, गुड, मेरा आउटपुट आ जाएगा ए बी सी डी ई, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर अब देखो, मैं ओवरराइड करता हूं, इसी फंक्शन को कॉपी किया, मेन के अंदर भी पेस्ट कर, इसके दूसरे फंक्शन की इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया। अब इसने क्या किया, ये जो एम वन फंक्शन था किसके पास था, टेस्ट के पास था, जो पेरेंट क्लास है, उसने क्या किया, उस क्लास ने फाइनल टेस्ट वन ने इसको इनहेरिट करके इसके इंटरनल इंप्लीमेंटेशन बदल दिया। पहले तो इसमें प्रिंट हो रहा था ए बी सी डी, इसने कर दिया ए बी सी, ठीक है। दूसरा प्रिंट कर दिया इसने एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो पेरेंट ने क्या किया,
पेरेंट का जो M1 मेथड था उसको बदल दिया गया कहां पर, चाइल्ड के अंदर, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइड हो गया, मेथड को चेंज करने को क्या कहते हैं, ओवरराइड। यहां पर क्या हो गया, मेथड ओवरराइड हो गया, हमेशा चाइल्ड ओवरराइड करता है ना, हमेशा चाइल्ड ओवरराइड करेगा, ये ओवरराइड हो गया। ओवरराइड का मतलब आपका चेंज हो गया। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाया फाइनल टेस्ट वन का, आपने फंक्शन कॉल कराया t.m1, m1 फंक्शन कॉल कराएंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा abc xyz, ठीक है। इसे देखते हैं, कंपाइल किया, रन कराया तो abc xyz आपका आउटपुट आ गया, समझ रहे। बट अगर मैं इसके साथ फाइनल लगा दूं, फाइनल लगा दूं, तो पेरेंट का जो m1 मेथड है उसको हम, जो पेरेंट का m1 मेथड है, अब मैं उसे यहां पर चेंज नहीं कर सकता। आपने इसका चेंज क्या कर दिया, बंद कर दिया बाय यूजिंग फाइनल मॉडिफायर। तो जिस मेथड के साथ आपका फाइनल मॉडिफायर लगा होगा उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, चाइल्ड उसे चेंज नहीं कर सकता, उसे एज इट इज ही यूज करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, सेव करके कंपाइल किया, ये देखो एरर आ गई। क्या कह रहा है, M1 इन फाइनल टेस्ट वन कैन नॉट ओवरराइड, है ना, M1 को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, क्यों, ओवररिडन मेथड इज फाइनल, जिसको ओवरराइड कर रहे हैं वो फाइनल डिक्लेयर किया गया है। ये हमारा क्या डिक्लेयर किया, फाइनल। अगर आप इसे चाइल्ड चाह रहा है कि इसे मैं चेंज ना कर सकूं, तो पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, यहां पर फाइनल लगाना। तो जिस मेथड के साथ फाइनल लगा होता है उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड तभी होगा जब इनहेरिट एंस होगा, क्लियर है पॉइंट, गुड, ठीक है जी। तो ये मैकेनिज्म है आपका ओवरराइड, ठीक है जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर एक क्लास, मैंने एक क्लास फाइनल डिक्लेयर कर दी, क्लास क्या कर दी मैंने, फाइनल डिक्लेयर कर दी, एक नया एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास ले ली मैंने, सपोज टेस्ट, इस टेस्ट क्लास के अंदर मैंने फाइनल ले लिया, ये क्लास मैंने क्या ले ली, फाइनल। मैंने इसके अंदर एक मेथड लिया, पब्लिक वॉइड m1, एक फंक्शन लिया, ठीक है, एक फंक्शन और लिया, पब्लिक void m2, एक फंक्शन लिया, दो फंक्शन लिए मैंने m1 एंड m2, ठीक है। क्या मैं, अब मेरा क्वेश्चन सुनना, मेरी जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जो टेस्ट क्लास फाइनल है क्या मैं उसके मेथड को ओवरराइड कर सकता हूं, जो मेरी क्लास टेस्ट है इसको, चाइल्ड क्लास है इसकी, कोई क्लास है कोई, सपोज डेमो क्लास है, क्या ये डेमो क्लास इसके M1 M2 मेथड की बॉडी चेंज कर सकती है, यस या नो, क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, कोई बताएगा। देखो ओवरराइड तभी होगा, ये फंक्शन तभी ओवरराइड होंगे, है ना, जब इसे इनहेरिट कर पाएंगे हम। क्या मैं डेमो क्लास एक्सटेंड कर सकती है किसको, टेस्ट को, यस या नो, डेमो क्लास टेस्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है, यस या नो, नो, क्यों, क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज आपने क्लास टेस्ट क्या कर रखी है, फाइनल डिक्लेयर कर रखी है, तो इनहेरिटेंस रोकने के लिए हमने क्या यूज किया था, फाइनल कीवर्ड का, है ना। तो इसको जब इनहेरिट नहीं कर सकते तो ये फंक्शन ओवरराइड कैसे होंगे यहां पर, तो इसका मतलब है कि फाइनल क्लास के जितने भी फंक्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट फाइनल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखना, फाइनल क्लास कंटेन बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स एज फाइनल, उनको ओवरराइड नहीं कर सकते। मेन मेथड किसी में भी ले लो, आप डेमो में ले लो या टेस्ट में ले लो,
मैं डेमो में डाल दू, मर्जी तुम्हारी, किसमें भी डाल सकते हैं। तो हमने फाइनल क्लास पढ़ी, फाइनल मेथड पढ़ा, और अब बात है फाइनल वेरिएबल की। ठीक है, सपोज मैंने क्लास ली फाइनल, हम दोबारा फिर पढ़ेंगे इनको, इन टॉपिक्स को दोबारा फिर डिस्कस करेंगे, ये बार बार डिस्कस होंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग, मैंने एक वेरिएबल लिया सपोज इंट एक्स, एक्स की वैल्यू 10। एक्स किस टाइप का वेरिएबल है? डोंट से इट इज इंटीजर, मैं इंटीजर नहीं पूछ रहा हूं। एक्स किस टाइप का वेरिएबल है? यह आपका इंस्टांस वेरिएबल है, दिस इज इंस्टांस वेरिएबल। अगर इसके साथ स्टैटिक लगाऊंगा तब ये स्टैटिक है, अगर मैंने ये लिखा ये स्टैटिक है, समझ रहे? ओके चलो इसे स्टैटिक ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं स्टैटिक ले लेते हैं। ये हमारा एक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है, सपोज मैंने इसके साथ क्या लगाया, फाइनल लगा दिया। ठीक है, फाइनल लगा दिया, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने फिक्स कर दी 10। क्या मैं एक्स की वैल्यू को 100 कर सकता हूं? अगर मैं प्रिंट कराऊं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैंने एक्स को प्रिंट करा, इसको सेव करा देते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, मैंने एक्स की वैल्यू 100 कर दी, क्या मैं एक्स की वैल्यू 100 कर सकता हूं, यस या नो? बोलो, मैंने इसे कंपाइल किया, ये कह रहा है कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एक्स, एक्स को हम 100 असाइन नहीं कर सकते। आपने अगर किसी वेरिएबल के साथ फाइनल लगा दिया, ठीक है, तो उस वेरिएबल की हम वैल्यू क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो जिस वेरिएबल के साथ आपका क्या लगा होगा, फाइनल लगा होगा, उस फाइनल को हम, उस वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये इंस्टांस होता है तो इंस्टांस के केस में भी ये रिजल्ट रहता, इंस्टांस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फाइनल वेरिएबल क्लास का, एफ इज इक्वल टू न्यू फाइनल वेरिएबल। ठीक है, आपने लिखा एफ डॉट एक्स, क्या एक्स की वैल्यू मैं 100 कर सकता हूं या 1000 कर सकता हूं, यस या नो? और आपने प्रिंट कराया एफ डॉट एक्स, बोलो। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी कह रहा है क्या, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल एक्स, फाइनल वेरिएबल एक्स को हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मैंने यहां पर क्या किया, एक्स लिया, एक्स की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंट एक्स, इंट एक्स किस टाइप का वेरिएबल है, गुड। इंस्टांस वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, गुड। कौन प्रोवाइड कराता है इंस्टांस और स्टैटिक की बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मैंने बताई थी जीरो होती है, कौन प्रोवाइड कराता है, जेवीएम, गुड। अब मैंने यहां पर क्या किया, एक्स के साथ फाइनल लगाया। ठीक है, क्या मैं यहां पर, मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, जेवीएम ने इनिशियलाइज करी, समझ रहे? तो क्या आप बिना इनिशियलाइज करे किसी वेरिएबल के साथ फाइनल लगा सकते हैं, यस या नो? अगर मैं यहां पर प्रिंट कराऊं एफ डॉट एक्स तो क्या प्रिंट होगा, ये एरर आएगी, चलो चेक करते हैं, यहां पर एरर आ जाएगा, वेरिएबल एक्स नॉट इनिशियलाइज्ड इन द डिफॉल्ट
कंस्ट्रक्टर, आपने ना इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, आपको कंपलसरी है अगर आप किसी वेरिएबल के साथ फाइनल लगा रहे हो तो उसके साथ एक वैल्यू, वो कंपाइलर कहेगा कि इस एक्स की क्या वैल्यू आपने फाइनल करी, जो जेवीएम ने प्रोवाइड करी उसे हम फाइनल नहीं कर सकते कभी भी, समझ रहे? ये रूल है इसका, ये पढ़ेंगे अभी कंस्ट्रक्टर और क्लास डिटेल में, उप्स कॉन्सेप्ट, इसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट शुरू होगा आपके, ठीक है? तो जो वेरिएबल आपने फाइनल डिक्लेयर किया है इट मस्ट बी इनिशियलाइज, आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो जेवीएम प्रोवाइड कराता है वैल्यू, एक्चुअल में जेवीएम जो वैल्यू प्रोवाइड कराता है वो रन टाइम पर प्रोवाइड कराता है एक्स वेरिएबल को, समझ रहे? रन टाइम पर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, बट आपने इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो कंपाइलर कहेगा कि एक्स की क्या वैल्यू आपने फाइनल की है, समझ रहे? एक्स की वैल्यू क्या फाइनल की, तो यहां पर आपको जो भी वेरिएबल कभी भी डिक्लेयर करना है तो उसको इनिशियलाइज जरूर कर दो, हमने 10 फाइनल किया, इसी तरह से स्टेटिक के केस में, ऐसे ही लोकल वेरिएबल के केस में, ठीक है? तो तीन पॉइंट है, जो हमारा फाइनल कीवर्ड है वो किस किस के साथ लगता है, क्लास के साथ, क्लास के साथ लगा तो क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, मेथड के साथ लगा तो उसे ओवरराइड नहीं कर सकते, अगर वेरिएबल के साथ लगा तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। क्या आपको फाइनल के बारे में समझ में आया? अब डिस्कस करते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, ठीक है? कौन सा मॉडिफायर? एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो मॉडिफायर है ये लगेगा सिर्फ क्लास के साथ और मेथड के साथ, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर कभी भी वेरिएबल्स के साथ नहीं लगेगा, नॉट नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल, ठीक है? ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है सारे के सारे कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर है किसके साथ एप्लीकेबल है, क्लास और मेथड के साथ। अभी हमने फाइनल पढ़ा, फाइनल जो लगता है क्लास वेरिएबल और मेथड, बस तीन ही चीजें हैं पूरी जावा में, क्लास मेथड और वेरिएबल, बस ये देखना कि कौन सा किसके साथ लगेगा, ये पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? थोड़ा सा याद रखोगे, बहुत आसान है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट क्या एक मॉडिफायर है, किसके साथ लगेगा, क्लास के और मेथड के साथ, ठीक है? लेकिन कौन सी क्लास के साथ या कौन से मेथड के साथ लगेगा, सबसे पहले बात करते हैं मेथड के साथ। सपोज हमने एक मेथड लिया पब्लिक वॉइड एरिया, एरिया एक मेथड है लेकिन मुझे ये नहीं पता एरिया किसका निकालना है ना? आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में किसी मेथड का के बॉडी के अंदर क्या लिखना है वो नहीं पता हो, है ना, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन का ना पता हो, तो हम क्या करेंगे उस मेथड को क्या डिक्लेयर कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्या डिक्लेयर कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमें इस एरिया फंक्शन की बॉडी, बॉडी का मतलब इंटरनल इंप्लीमेंटेशन का पता नहीं है, ठीक है? बाद में हम इसकी बॉडी बनाएंगे, ठीक है? अगर आपको किसी मेथड की बॉडी का ना पता हो तो आप उस मेथड के साथ क्या लगा सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट, है ना? तो हम कभी यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट का मेथड के साथ अगर हमें मेथड की बॉडी का पता ना हो, समझ रहे? जैसे होता है कभी कभी हमारे इसमें प्रोग्रामिंग में होता है कि हमें क्लाइंट से हमने कहा भाई क्लाइंट, आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई एरिया निकालना है, है ना? आपने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया एरिया, आपने पूछा किसका एरिया निकालना है, ठीक है? तो आप, वो कहेगा कि भाई अभी एरिया का मुझे भी नहीं पता, जैसे मेरे पास शेप आएगी कोई तो मैं आपको बता दूंगा कि एरिया ट्रायंगल का निकालना है, सर्किल का निकालना है। तो आप अब तक, जब तक आप, वो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दे किसका एरिया निकालना है, तब तक आप इस मेथड को क्या डिक्लेयर करके रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, आपको इसकी बॉडी का ही नहीं पता। तो अगर आपकी क्लास, सॉरी, मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब है कि आपको इसके इंटरनल इंप्लीमेंटेशन का भी कोई आइडिया नहीं, ठीक है? जब इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ना पता हो तो उस मेथड को क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर सभी को? गुड, ठीक है। हाँ, इसका जो सिंटैक्स है, इसके बाद जस्ट बाद आपका सेमी कोलन आएगा, ये आपका वैलिड सिंटैक्स है। अगर कभी आपको ऐसा मिले दो कर्ली ब्रेसेस इस तरह से,
अगर आपकी कर्ली ब्रेसिस लग गए तो इसका मतलब है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इम्पटी इम्प्लीमेंटेशन है, बट इसका तो इम्पटी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। आप कर्ली ब्रेसिस चाहे यहां लगा दो चाहे नीचे लगा दो इस तरह से। अब इसकी बॉडी बन गई, ये बॉडी बन गई दो कर्ली ब्रेसिस का मतलब है कि इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा सकते। अगर आपने दो कर्ली ब्रेसिस लगा दी, ठीक है, दो कर्ली ब्रेसिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस एरिया फंक्शन का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आपने दो कर्ली ब्रेसिस नहीं लगाए है ना, तो आपको इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और फिर यहां पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, समझ में आया? तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, नॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बल्कि ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप पब्लिक, पब्लिक का मतलब है कि हर जगह अवेलेबल रहेगा ये एब्स्ट्रैक्ट। अगर पब्लिक भी लिखा है तो ये एरिया फंक्शन मेथड जो है हर जगह अवेलेबल रहेगा। जब हर जगह अवेलेबल रहेगा तो हम इसकी बाद में बॉडी बना सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसके साथ पब्लिक लगाया। क्लियर है? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। जो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखेगी, उस क्लास के साथ भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। क्या कहा? जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, कंपलसरी है, उस क्लास के साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। किसके साथ? क्लास के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपाइलर आपको एरर देगा, समझ रहे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसी को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। एक क्लास ले ली मैंने, सपोज क्लास व्हीकल्स ले लेते हैं, ठीक है, व्हीकल एक क्लास ले ली। इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन लिया पब्लिक int get number of wheels, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कौन सा व्हीकल है, तो मैं इसमें क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन ले लिया मैंने get number of wheels, ये हमें बताएगा कि किस व्हीकल में कितने पहिए हैं, व्हील्स कितने हैं, ठीक है, ये फंक्शन बनाया। लेकिन मुझे ये नहीं पता व्हीकल कौन सा है, तो मैं क्या करूं? इसका मुझे इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ही नहीं पता, क्या रिटर्न करूं मैं? व्हीकल आपका टू व्हीलर भी हो सकता है, थ्री व्हीलर भी हो सकता है, फोर व्हीलर भी हो सकता है, सिक्स व्हीलर भी हो सकता है, समझ रहे? तो मेरे को यहां पर इस गेट नंबर ऑफ व्हील्स में क्या रिटर्न करूं मैं? टू रिटर्न करूं, फोर रिटर्न करूं, सिक्स रिटर्न करूं, थ्री रिटर्न करूं, क्या रिटर्न करूं? बोलो, इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन पता है तुम्हें? गेट नंबर ऑफ व्हील्स में मैं क्या लिखूं, यस या नो? इंटरनल इंप्लीमेंटेशन पता है या नहीं है? नहीं पता है। जब आपको इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ये नहीं पता क्या रिटर्न करना है, तो मैं इसके साथ क्या लगा दूं? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये हमारी जो है किस नाम से बनाई हमने, व्हीकल्स के नाम से बनाई, व्हीकल डॉट जावा के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, मैंने अभी एक पॉइंट बताया था, अगर किसी क्लास के अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ये रहा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस क्लास के साथ कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो ये हो गया कि जिस क्लास के अंदर एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो क्लास भी क्या होगी आपकी? एब्स्ट्रैक्ट होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा नहीं इसके साथ, तो देखते हैं कंपाइलर मुझे क्या सजा देता है, ठीक है। मैंने लिखा जावा सी व्हीकल डॉट जावा, मैंने लिखा व्हीकल डॉट जावा, एंटर किया, ये क्या कह रहा है? देखो, व्हीकल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। व्हीकल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट नंबर ऑफ व्हील्स। आपका, आपको ये जो क्लास है
इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं आगे चाइल्ड में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो मैंने यहां पर अब एग्जीक्यूट किया, अब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई। तो सच ए क्लास विच कंटेन एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सच मेथड विच डज नॉट हैव इंटरनल इंप्लीमेंटेशन, जिस मेथड का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन का ना पता हो, सच मेथड आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो उस मेथड के साथ हमें एब्स्ट्रैक्ट लिख के उसकी बॉडी को क्या कर देंगे हम। ठीक है, सपोज आपने क्या किया, आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया इसके साथ, आपने क्या किया इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया। अब देखो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये एरर दे दी, मिसिंग मेथड बॉडी, समझ रहे, और डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। आप इसको कैसे डिक्लेयर करें, एब्स्ट्रैक्ट, ये कह रहा है कि या तो उसकी बॉडी बनाओ, किसकी, गेट नंबर ऑफ व्हील्स की, ठीक है, या फिर अगर बॉडी का ना पता हो तो आप क्या लगाओ, एब्स्ट्रैक्ट लगाओ। आपका कंपाइलर आपको खुद जावा सिखा रहा है, मिसिंग मेथड बॉडी, इसकी बॉडी नहीं है, या तो बॉडी बनाओ, और ये कह रहा है कि डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट लगाओ। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, समझ रहे, पॉइंट क्लियर है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होगी, जिसके अंदर एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, उस क्लास को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा एक चीज और इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूं मैं, पब्लिक वॉइड एक M1 फंक्शन है, एक M1 फंक्शन है, ये M1 फंक्शन है। तो आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैंने कहा उसके अंदर एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आपकी क्लास को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे। ये आपका बॉडी वाला भी हो सकता है, मैंने यहां पर प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैंने यहां पर प्रिंट कराया, कुछ भी प्रिंट करा दिया हेलो। तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बिना बॉडी का भी हो सकता है और बॉडी वाला भी हो सकता है, तो उसके अंदर कितने भी मेथड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका बिना बॉडी का नहीं होगा, इसके अंदर सारे बॉडी वाले भी हो सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार भी हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, समझ रहे, एक ही क्लास। मेरा क्वेश्चन है कि इसकी बॉडी अब कौन बनाएगा, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी कौन बनाएगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल, इसकी बॉडी कौन बनाएगा, व्हीकल क्लास ने तो बनाई नहीं, व्हीकल को तो पता ही नहीं था किसकी बॉडी में रखना क्या है, तो इसकी बॉडी कौन बनाएगा, कोई बताएगा, गुड, इसकी जो चाइल्ड क्लास होगी व्हीकल की, वो इसकी बॉडी बनाएगा, समझ रहे। तो कैसे, अब देखो थोड़ा ध्यान से, एक क्लास ली मैंने, क्लास का नाम ले लिया बस, बस एक क्लास है, उसने एक्सटेंड्स किया किसको, व्हीकल को, व्हीकल को इनहेरिट किया, और उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, कौन सा मेथड था एब्स्ट्रैक्ट, गेट नंबर ऑफ व्हील्स, है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, पब्लिक इंट गेट नंबर ऑफ व्हील्स, और इसकी बॉडी बना दी किसने, बस ने, क्योंकि बस में कितने टायर होते हैं, रिटर्न सेवन, कितने टायर होते हैं इसमें, सात टायर होते हैं, ठीक है, इसने इसकी बॉडी बना दी किसने, बस ने, किसको इसकी बॉडी बना दी, व्हीकल के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। क्या मैं इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लगाऊं, अब यहां पर क्या मैं यहां पर एब्स्ट्रैक्ट यूज करूं इस एरिया में, यस या नो, नो, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी बन चुकी, इसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका, ठीक है। अगर मैं अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूं, एक बार सेव करते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है, मैंने लिखा, कंपाइल किया सक्सेसफुली, रन कराया, रन कैसे कराएंगे, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन लिया, स्ट्रिंग आर्ग, ठीक है, इस आर्ग के अंदर मैंने बस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बस इज इक्वल टू बी
न्यू बस, बस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आपने प्रिंट कराया। बी ने कौन सा फंक्शन कॉल कराया? बी ने फंक्शन कराया गेट नंबर ऑफ व्हील्स। तो गेट नंबर ऑफ व्हील्स, मुझे व्हील्स कितने प्रिंट होंगे? कंपाइल किया और रन कराते हैं किस नाम से, बस आपका आउटपुट आ गया 7, इसने 7 रिटर्न कर दिया। इसने गेट नंबर ऑफ व्हील्स ने क्या रिटर्न करा? 7 रिटर्न करा, तो आपका 7 प्रिंट हो गया। समझ में आया या नहीं? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी कौन बनाएगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी बनाएगा कौन? जो से इनहेरिट करेगा, इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट करेगा। इसी तरह से हमने क्या किया, एक क्लास और ली, एक क्लास ले लिया मैंने ऑटो। ऑटो ने एक्सटेंड्स किया किसको? एक्सटेंड्स किया किसको? व्हीकल को, है ना, व्हीकल क्लास को इनहेरिट किया। उसने भी क्या किया, गेट नंबर ऑफ व्हील्स को, एब्स्ट्रैक्ट था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड था किसके पास? व्हीकल के। इसने भी इसमें नंबर ऑफ व्हील्स कितने रिटर्न कर दिए? 3। अगर आप अब इसी में, जैसे यहां पर है मेन मेथड के अंदर हमने ऑटो का भी ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटो ए इज इक्वल टू अ न्यू ऑटो, ऑटो का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने प्रिंट कराया क्या, ए डॉट गेट नंबर ऑफ व्हील्स, ये प्रिंट कराया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा बोलो? हाँ, 7 और 3 एग्जीक्यूट किया। मैं बस से क्यों रन करा रहा हूं, क्योंकि बस क्लास कंटेन मेन मेथड है इसके अंदर। अगर ये मेन मेथड ऑटो में होता तो मैं यहां पर रन कराता जावा डॉट ऑटो, एंटर किया, ये आपका 7 और 3 आउटपुट आ गया। क्लियर है सभी को या नहीं? ओके। अब यहां पर जो पॉइंट निकल के आए, देखो दोबारा से एक बार मैं एब्स्ट्रैक्ट को रिवाइज करा देता हूं। अगर आपको किसी मेथड का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ना पता हो, देन वी विल डिक्लेयर दैट मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट। उस मेथड को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट, जिसका इंप्लीमेंटेशन ना पता हो। अब दूसरा पॉइंट, जिस क्लास के अंदर एटलीस्ट 1 एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, जिस क्लास के अंदर एटलीस्ट 1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, उस मेथड के क्या करेंगे, उस मेथड को भी, उस क्लास को भी हम क्या डिक्लेयर करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे। वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका कुछ इंप्लीमेंटेशन का पार्शियली इंप्लीमेंटेशन पता हो, कुछ पता कुछ नहीं पता, तो ऐसी क्लास को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट ही कहेंगे। समझ रहे? तो अब तीसरा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी कौन बनाएगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो बॉडी बनाएगा वो बनाएगा चाइल्ड, जो इसे इनहेरिट करेगा। समझ रहे? इसको इनहेरिट करेगा। मैंने लिया एक फंक्शन और लेता हूं एब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर ही, एक पॉइंट और जबरदस्त देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मैंने ले लिया वॉइड, मैंने दे दिया गेट एवरेज, एक एवरेज फंक्शन है। अब मुझे इसका एवरेज भी नहीं पता, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब बस ने, बस क्लास ने किसको इनहेरिट किया? व्हीकल को इनहेरिट किया। बस ने किसको इनहेरिट किया? व्हीकल को, ठीक है। अब व्हीकल को जब इसने इनहेरिट किया, तो बस क्लास के पास कितने फंक्शंस हैं? मेरा क्वेश्चन है कि बस क्लास के पास कितने फंक्शंस हैं? इसको ऐसे समझ लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझाता हूं तुम्हें। सपोज ये आपकी व्हीकल क्लास है, ये आपकी बस क्लास है, ठीक है। व्हीकल क्लास है, ये आपकी बस क्लास है। दिस क्लास कंटेन पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट गेट व्हील्स, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके पास, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, है ना। सपोज एक है
गेट ए वी जी, और एक है इसके पास पब्लिक void m1 method है, it contain implement. ठीक है, अब इस क्लास को इनहेट किया किसने, बस ने से इनहेट कर लिया vehicle को. मैं पूछ रहा हूं कि बस के पास कितने apps, बस के पास कितने methods हैं, it contain three methods, तीन method है. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मुझे vehicle के साथ abstract लिखना compulsory है या नहीं है, yes या no, व्हीकल के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखूं या ना लिखूं, यस है ना, तो यहां क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, अब देखो बस के पास इनहेरिट हो गए जो दो मेथड आए, दो एब्स्ट्रैक्ट आए इसके पास और एक बॉडी वाला मेथड आया किसके पास, बस क्लास के पास. समझ रहे, बस क्लास के पास दो बॉडी वाले मेथड आए, सॉरी एक बॉडी वाला मेथड आया, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आए. बस ने क्या किया, पब्लिक इंट गेट व्हील्स की तो बॉडी बना दी, गेट व्हील्स की बॉडी बना दी. ठीक है, और किसे बॉडी पता नहीं था इसकी, इसको भी नहीं पता था बस को एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इसने भी क्या किया इस क्लास को, इस क्लास के अंदर, अब बस क्लास के अंदर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बच गया. कौन सा मेथड बचा, गेट एवरेज. तो बस क्लास ने क्या किया, सिर्फ एक की बॉडी बनाई, कौन से वाले की, इसने जो बॉडी बनाई सिर्फ एक मेथड की बॉडी बनाई, इसकी इसकी बॉडी बनाई, समझ रहे, इस मेथड की बॉडी बना दी, एक की बॉडी बनाई नहीं, किसकी, पब्लिक वॉइड गेट एवरेज. अब सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बस ने सिर्फ एक की बॉडी बनाई तो इसका मतलब है बस के पास अब भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बस के पास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कौन सा, गेट एवरेज, जो इनहेरिट होके आया, यस या नो, बस के पास अब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगर बस के पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्या बस के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, यस या नो, यस, आपको इसे भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, आपकी क्लास बस अब भी एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि इसने एक की बॉडी बना दी, एक की बॉडी नहीं बनाई, गेट एवरेज, समझ रहे, तो बस क्लास अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो बस क्लास को सभी मेथड्स की बॉडी बनानी पड़ेगी, अगर बॉडी नहीं बनाती है, कुछ की बॉडी बना दी कुछ की नहीं बना दी, तो बस के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट लगेगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चलो आज इतना ही रखते हैं, कल इसमें आगे डिस्कस करेंगे, समझ रहे, कोई डाउट हो तो बताओ.